नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी में, कीर्ति लेकर हाजिर हूँ। पहाड़ समाचार। भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। पहले दिन विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर जीतने के लिए भाजपा नेताओं का मार्गदर्शन करने के साथ ही उन्हें मूल मंत्र भी दिया। पहले दिन नड्डा ने प्रदेश और जिला संगठन समेत मोर्चा प्रदेश अध्यक्षों के अलावा सांसद व विधायकों के साथ बैठक की। शाम को प्रदेश मंत्रिमंडल व निकाय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर नड्डा ने जनता के साथ अधिक संवाद स्थापित करने और प्रवास कार्यक्रमों में अधिक सक्रियता बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। तो उत्तराखंड के दौरे पर है जेपी नड्डा। 5 राज्यों में चुनाव है, इसको लेकर भाजपा की सक्रियता बढ़ गई है। वहीं उत्तराखंड में चुनाव को देखते हुए जेपी नड्डा वहां गए और उत्तराखंड में उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। साथ ही साथ उन्होंने उन लोगों को मूल मंत्र भी दिया है। जरूरी दिशा निर्देश जेपी नड्डा द्वारा दिए गए हैं कार्यकर्ताओं को। तो विधायकों के साथ बैठक की गई। शाम को प्रदेश मंत्रिमंडल व निकाय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर नड्डा ने जनता के साथ अधिक संवाद स्थापित करने और प्रवास कार्यक्रमों में अधिक सक्रियता बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। शुभम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर है, उन्होंने विधायकों से भी मुलाकात की है, क्या वो मूल मंत्र दिए गए हैं, बैठक में क्या कुछ हुआ? बता दो कि जेपी नड्डा जी जो उत्तराखंड दौरे पर है, कहीं ना कहीं अब बूथ को मजबूत करने की बात चल रही है। साथ ही साथ विधायकों के साथ ही मीटिंग की गई है और साथ ही साथ ये बात की गई है कि जमीनी स्तर से बिल्कुल जुड़कर जो है काम करना है। कहीं ना कहीं विधायकों द्वारा जहां पे डील दी है उस काम को पूरा किया जाए। और साथ ही साथ मुस्कर सिंह धामी ने जो है हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने अब एक रिपोर्ट कार्ड भी जो है पेश किया है जेपी नड्डा जी के सामने। उन्होंने बताया है कि किस तरीके का रिपोर्ट है सारे विधायकों की, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं सियासत गर्म भी होती जा रही है। शुभम, जिस तरह से चुनाव नजदीक है उसको लेकर सक्रियता बढ़ने लग गई है और जेपी नड्डा का दौरा भी कहीं मायने में अहम है क्योंकि जीत का मंत्र देकर आए हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस भर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि भाजपा सरकार आम आदमी की कमर तोड़ने का काम कर रही है, जिसमें 2 दिन पहले ही रसोई गैस के दामों में इजाफा हुआ है। ऐसे में बढ़ती महंगाई के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस आज प्रदर्शन करने जा रही है। तो आज शुभम उत्तराखंड में कांग्रेस का बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन है, क्या कुछ आप देख पा रहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दो कि जिस तरीके का हरीश रावतिया और बाकी सदस्यों के नेतृत्व में अब एक कांग्रेस का जो पार्टी है उत्तराखंड में मजबूती की ओर बढ़ती जा रही है, उसी को देखते हुए जिस तरीके की महंगाई बीजेपी सरकार द्वारा अपने शासनकाल में बढ़ाई गई है उसी को लेकर यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है। और साथ ही साथ महंगाई को कम करने की मांग और साथ ही साथ चुनाव के मुद्दों को बढ़ाते हुए कांग्रेस आज प्रदर्शन करने जा रही है। बड़े स्तर पर प्रदर्शन होगा, क्या उनको रोकने के लिए कोई तैयारियां की गई है या प्रदर्शन किस तरह से होगा? बिल्कुल, जो है एक मार्च निकाली जाएगी जिसमें महंगाई का मुद्दा होगा, साथ ही साथ जिसमें सभी प्रकार के मुद्दों को लिया जाएगा, अन्य मुद्दे जो बीजेपी सरकार जिसके ढील दे दिया उन मुद्दों को उठाया जाएगा। प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन करें कहीं ना कहीं पुलिस भी मुस्तैद रहेगी और देखा जाएगा कि जो आंदोलन है ज्यादा बड़े स्तर बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनावी साल में वादों और योजनाओं को पिटारा लगातार खुलता जा रहा है। पूर्व सीएम व कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि बहनों पर रसोई गैस का बोझ लगातार बढ़ रहा है, सरकार आने पर हम हर माह 200 रुपए कुकिंग सब्सिडी देने के साथ राज्य की आर्थिक स्थिति के धीरे धीरे सुधरने पर इसे बढ़ाया भी जाएगा। वहीं आप पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि नई नवेली पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पर्यटक के तौर पर यहाँ आकर 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा करते हैं। और बढ़ती दामों को लेकर कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत ने 200 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया है ताकि महिलाओं को राहत मिले। वहीं आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा हरीश रावत ने। वहीं हमारे साथ इस वक्त संवाददाता विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, सब्सिडी पर राहत की बात की है हरीश रावत ने, आप पर भी निशाना साधा है?
प्रीति मैं आपको बता दूं कि चुनावी साल है और उत्तराखंड में भी 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, तो हर राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड में अपनी चुनाव बिसात बिछाने में लगी हुई है और जनता को लुभाने व अपने पक्ष में करने के लिए नए नए वादे कर रही है। अभी मैं आपको बता दूं प्रीति कि कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया ने दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था, वहीं भाजपा ने भी 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था और कल ही हरीश रावत जी का बयान आया है 200 रुपए सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं। प्रीति मैं आपको बता दूं कि चुनावी साल है, वादों के पिटारे जनता को लुभाने के लिए सब बातें होगी, लेकिन इन योजनाओं को अमली जामा कहां कितना पहनाते हैं ये राजनीतिक पार्टियां, ये आने वाला समय बताएगा। विनोद, अमली जामा किस तरह से पहनाया जाता है क्योंकि वादे तमाम होते हैं, चुनाव नजदीक आते हैं और इसी तरह से हरीश रावत ने भी अपना एक वादा लोगों के सामने रख दिया है 200 रुपए सब्सिडी गैस पर देने का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपने अपने दांव चलती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस की नजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यहां दांव पर है। भू कानून पर उच्च स्तरीय समिति और देवस्थानम बोर्ड पर पड़ा पुरोहित समाज की नाराजगी दूर करने के लिए जहां बीजेपी अग्रसर दिखाई दे रही है, तो वहीं प्रमुख प्रतिपक्षी दल ने इन्हीं मामलों पर दो असरकारी विधेयकों को आगे कर दिया है। कांग्रेस और भाजपा के बीच ये दोनों मुद्दे जंग की नई बिसात बनने जा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में बने भू कानून का इंटरनेट मीडिया पर जबरदस्त विरोध शुरू हुआ है, तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपकने में देर नहीं लगाई है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत तमाम नेता इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी करने में जुट गए हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर, पंडा पुरोहित समाज की नाराजगी को लेकर भी विपक्ष काफी मुखर है। बसपा प्रदेश प्रभारी प्रदीप जाटव आज भगवानपुर के सिरचंदी गांव पहुंचे और संगठन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करके हम सरकार में जिम्मेदारी हासिल करेंगे। बसपा कभी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करती बल्कि सेवा करने वालों को मौका देती है। दरअसल आपको बता दें कि बसपा प्रदेश प्रभारी प्रदीप जाटव पूरी टीम के साथ भगवानपुर विधानसभा के सिरचंदी गांव पहुंचे और संगठन की समीक्षा की, जिस दौरान बूथ अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्षों के जवाब संतुष्ट न मिलने के कारण प्रभारी प्रदीप जाटव ने खूब जमकर फटकार भी लगाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार में रोड शो किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आगमन उत्तराखंड हरिद्वार में हुआ है, जो चुनावी दौर का ही एक हिस्सा है। पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि जिस प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचकर यहां की भोली भाली जनता को भड़काने व तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनका ये कदम पूरी तरह असफल होने जा रहा है। ना तो वो उत्तराखंड की जनता को बिजली फ्री दे पाएंगे और ना ही दिल्ली को बिजली फ्री मिल रही है। लालकुआ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता प्रमोद कालोनी का कहना है कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई से आम आदमी त्रस्त है, लेकिन सरकार महंगाई कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। बिंदु खता कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कालोनी के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसियों ने बिंदु खाता के शहीद स्मारक तिराहे पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। आज जो पेपरों में देख रहे हैं आप लोग कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है भारतीय सरकार के अधीन, उसने आज 25 रुपये गैस के सिलेंडर के दाम के रेट बढ़ा दिए गए हैं। आप ये देख रहे हैं कि जनवरी माह से इस अगस्त के माह तक
165 रुपए की जो निरंतर वृद्धि करी है, आज उसी के विरोध में यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिंदु गुप्ता के नेतृत्व में यहाँ पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया है। और जैसा कि हम पहले भी इससे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हम ये कह चुके हैं कि आपने जो लोगों से जो अच्छे दिन के वायदे किए थे और महंगाई को नियंत्रण करने का जो आपने वायदा किया था और लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया था, आज आप उन वायदों में विफल हो गए हैं। ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कलोनी जी के नेतृत्व में यहाँ पर बिंदु खत्ता में हमने महंगाई के खिलाफ जिस तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार ने आज गैस के दाम 25 रुपए बढ़ा दिए हैं और ये लगातार कोविड के टाइम पर इस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं जिस समय लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और ऐसे समय पर उनका पेट्रोल का, डीजल का और तेल का, गैस का रेट बढ़ाना, ये सब जनता के साथ एक छलावा है और जनता के साथ ये जो छलावा भाजपा सरकार कर रही है उसका आने वाले समय में जनता इसका उसको जवाब देगी। और हम केंद्र सरकार से फिर कहना चाहते हैं, भाजपा सरकार से, कि जो आपने गैस के दाम बढ़ाए हैं इसको आपको तुरंत कम करना चाहिए। पहाड़ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।